लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कोविड मरीजों के लिए रेमडेसिविर की किल्लत ने कुछ लोगों को कालाबाजारी करने का मौका दे दिया है। नवी मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की पनवेल यूनिट ने रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले राहुल देवराय को पनवेल से गिरफ्तार किया है। राहुल से हेट्रो, सिप्ला और रेमविन कंपनी की 3 इंजेक्शन भी बरामद हुई है। आरोपी कलंबोली के एक लैब में टेक्नीशियन का काम करता है। क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने इसे 35,000 रुपए में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले भी वासी यूनिट ने एपीएमसी से इंजेक्शन बेचते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। तस्वीर में दिख रहा ये लैब टेक्नीशियन राहुल देवरा कानडे है, जिसे क्राइम ब्रांच पनवेल की टीम ने 3 रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। क्राइम पीआई गिरधर गोरे की टीम ने राहुल को खांदा कॉलोनी के खानदेश होटल के पास उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह 35,000 में 1 रेमडेसिविर बेचने की कोशिश कर रहा था। आरोपी के पास से सिप्ला, हेट्रो और रेमविन कंपनियों की 3 रेमडेसिविर बरामद हुई है। रायगढ़ FDA के सहायक आयुक्त गिरीश हुकरे के सहयोग से खांदेश्वर पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 420 के साथ ही जीवन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3(2) और दंडनीय धारा 7(1) और 2 समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामला संगीन है और इसमें कई अन्य लोगों के भी गिरफ्तार होने की संभावना है। बताना जरूरी है कि 2 दिनों पहले ही नवी मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने वासी के PMC से रेमडेसिविर बेचते हुए एक महिला और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया था। हफ्ते भर में क्राइम ब्रांच की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है जो कोरोना मरीजों के लिए राहत देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।